सोचो आप एक पहाड़ के नीचे खड़े हो, उसकी छोटी बादलों में छिपी हुई है, चढ़ाई मुश्किल लग रही है, नामुमकिन सी। मन में शंका आपको पीछे हटने को कह रही है, लेकिन आपके अंदर एक हौसले की चिंगारी भड़कती है। ये है दोस्तों वो अटूट शक्ति जो हम सबके अंदर है। जिंदगी कोई आसान रास्ता नहीं है, ये एक सफर है जो चुनौतियों, असफलताओं और ऐसे पलों से भरा है जो हमें अंदर तक हिला देते हैं। लेकिन मुश्किलों के बावजूद ये याद रखना, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। आपके अंदर किसी भी बाधा को पार करने, किसी भी चुनौती से ऊपर उठने की ताकत है। आपके अंदर आशा की किरण है, अदम्य मानव भावना का प्रमाण है। यह आपकी आंतरिक शक्ति को अपनाने, अपने सपनों को कभी न छोड़ने और एक ऐसा जीवन जीने का आह्वान है जो उद्देश्य और अर्थ से भरा हो। जिंदगी अक्सर एक भूल भुलैया की तरह होती है, एक जटिल पहेली जहां अचानक मोड़ और घुमाव आते हैं। कई बार आप खुद को खोया हुआ महसूस करेंगे, ये समझ नहीं आएगा कि कौन सा रास्ता चुने। निराशा आपको घेरने की कोशिश करेगी, आपको ये एहसास दिलाएगी कि आपके लक्ष्य बहुत दूर हैं। लेकिन याद रखें, हर भूल भुलैया का एक हल होता है। हर चुनौती, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना लगे, पार की जा सकती है। जरूरी है कि आप आगे बढ़ाते रहें, एक कदम एक समय में। अलग अलग रास्ते तलाशने से न डरें, ठोकरें खाएं और अपनी गलतियों से सीखें। इन्हीं ठोकरों से आप अपनी असली ताकत पहचानेंगे। जिस तरह एक कंपास नाविक का तूफानी समुद्र में मार्गदर्शन करता है, उसी तरह अपने अंदर के कंपास आपके मूल्यों, आपकी मान्यताओं, आपके सपनों को जिंदगी की भूल भुलैया में आपका मार्गदर्शन करने दें। खुद पर भरोसा रखें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें और अपने ध्रुव तारे को कभी नजरअंदाज न करें। इतिहास ऐसे लोगों की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने नामुमकिन सी बाधाओं का सामना किया लेकिन हार नहीं मानी। उनका सफर हौसले और दृढ़ता की शक्ति का प्रमाण है, हम सभी के लिए आशा की किरण है। अब्राहम लिंकन की कहानी को ही ले लीजिए, जिन्होंने अमेरिका के सबसे सम्मानित राष्ट्रपतियों में से एक बनने से पहले व्यापार, प्यार और राजनीति में अनगिनत असफलताओं का सामना किया। या फिर जे के रोलिंग, जिनकी हैरी पॉटर की पांडुलिपि को कई प्रकाशकों ने अस्वीकार कर दिया था इससे पहले कि इसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। ये लोग और इनके जैसे अनगिनत लोग हमें सिखाते हैं कि असफलता सफलता के विपरीत नहीं है, बल्कि इसके रास्ते का एक पड़ाव है। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि सबसे मुश्किल समय में भी उम्मीद की एक किरण, दृढ़ संकल्प की एक चिंगारी एक ऐसी आग जला सकती है जो पूरी दुनिया को रोशन करने के लिए पर्याप्त हो। बाहरी चुनौतियां जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयां अक्सर हमारे अपने मन के भीतर लड़ी जाती हैं। डर, संदेह और खुद को कम आंकना, ये सब हमारे दुश्मन हैं जो हमें अपनी पूरी क्षमता हासिल करने से रोकते हैं। एक मजबूत मानसिकता विकसित करना बहुत जरूरी है। इसमें चुनौतियों को बड़ी बाधाओं के बजाय विकास के अवसरों के रूप में देखना शामिल है। इसका मतलब है खुद को नीचा दिखाने वाली बातों को सकारात्मक विचारों से बदलना, खुद पर विश्वास करना और सकारात्मक सोच की शक्ति को अपनाना। याद रखें, आपके विचारों में बहुत ताकत होती है। वे आपको या तो ताकत दे सकते हैं या आपको बंदी बना सकते हैं। उन विचारों को चुनो जो आपको ऊपर उठाते हैं, जो आपके दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देते हैं और जो आपको आपके लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं। जब हम ठोकर खाते हैं और गिरते हैं तो निराश होना स्वाभाविक है। हम हार मानने के लिए ललचा सकते हैं, यह मानने के लिए कि हम काफी अच्छे नहीं हैं या हमारे सपने बहुत दूर हैं। लेकिन असफलता के इन्हीं क्षणों में हमें सीखने और बढ़ने का अवसर मिलता है। हर ठोकर, हर असफलता, हर बंद दरवाजा हमें खुद का आकलन करने, अपनी गलतियों से सीखने और मजबूत और समझदार बनकर उभरने का मौका देता है। असफलताओं को हार मानने के बजाय उन्हें मूल्यवान सबक के रूप में अपनाएं, सफलता की राह पर कदम रखें। उन्हें दूसरों से अलग करता है विपत्ति से ऊपर उठने, अपनी गलतियों से सीखने और पहले से कहीं अधिक मजबूत और अधिक दृढ़ बनकर उभरने की उनकी क्षमता। धैर्य के बीज बोना। धैर्य का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए सचेत प्रयास और समर्पण की आवश्यकता होती है। जिस तरह एक माली अपने पौधों की देखभाल करता है, उन्हें पानी, धूप और पोषक तत्व प्रदान करता है, उसी तरह हमें अपने भीतर धैर्य के बीज बोने चाहिए। इसमें सकारात्मक सोच
विकसित करना, खुद को सहायक व्यक्तियों से घिरा रखना और ऐसी गतिविधियों में शामिल होना शामिल है जो हमारे मन, शरीर और आत्मा को पोषण दें। चाहे वह ध्यान के माध्यम से हो, प्रकृति में समय बिताना हो, याद रखें आप इस यात्रा पर अकेले नहीं हैं। प्रियजनों तक पहुंचे, मार्गदर्शकों से मार्गदर्शन लें और अपने धार्मिक विश्वासों में ताकत पाएं। अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य का पोषण करके आप किसी भी तूफान का सामना करने और विजयी होने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होंगे। अपनी किस्मत खुद लिखो, एक कल्पना यात्रा। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो, कल्पना कीजिए कि आपने अपने लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। गर्व की अनुभूति को महसूस करो, उपलब्धि की जबरदस्त अनुभूति आप पर हावी हो रही है। अपने सपनों को जीतते हुए, अपने जुनून को आगे बढ़ाने के साथ आने वाले आनंद और पूर्णता का अनुभव करते हुए खुद की कल्पना करें। विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपकी इच्छाओं को प्रकट करने में आपकी मदद कर सकता है। अपने वांछित परिणामों की स्पष्ट रूप से कल्पना करके आप अनिवार्य रूप से अपने अवचेतन मन में सफलता के बीज बो रहे हैं। यह बदले में आपकी प्रेरणा को बढ़ावा दे सकता है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है और आपके कार्यों को आपके सपनों को साकार करने की दिशा में निर्देशित कर सकता है। विजुअलाइजेशन को नियमित अभ्यास बनाएं। हर दिन कुछ मिनट अलग रखें अपनी आंखें बंद करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए और स्पष्ट रूप से कल्पना करें कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जी रहे हैं। भीतर की दिव्य चिंगारी, हम में से प्रत्येक के भीतर एक दिव्य चिंगारी असीम क्षमता का स्रोत और अटूट शक्ति है। ये आंतरिक शक्ति ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें हासिल करने की आवश्यकता है, ये पहले से ही हमारे भीतर है, जागने की प्रतीक्षा कर रही है। प्रार्थना, ध्यान के माध्यम से या बस शांत चिंतन में समय बिताकर इस आंतरिक शक्ति से जुड़ें। ब्रह्मांड के ज्ञान पर भरोसा रखें, अपनी स्वयं की दिव्य क्षमता पर विश्वास करें और विश्वास रखें कि आपका मार्गदर्शन किया जा रहा है और आपकी यात्रा पर आपका समर्थन किया जा रहा है। याद रखें, आप कभी अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड आपके सपनों को प्राप्त करने में आपका साथ देने की साजिश करता है। अपने भीतर की दिव्य चिंगारी का दोहन करें और इसे उद्देश्य, अर्थ और पूर्णता से भरे जीवन की ओर आपका मार्गदर्शन करने दें। उठो, जीतो और प्रेरित करो। आगे का सफर आसान नहीं होगा। चुनौतियां, असफलताएं और ऐसे क्षण आएंगे जब आप हार मानने का मन करेंगे, लेकिन याद रखें, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। आपके भीतर किसी भी बाधा को पार करने, अपने मन की किसी भी चीज को प्राप्त करने की शक्ति है। तो अपनी चुनौतियों से ऊपर उठो, अपने डर पर विजय प्राप्त करें, खुद पर विश्वास करें और अपने सपनों को कभी ना छोड़ें। और जैसे ही आप जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, दूसरों के साथ अपनी रोशनी साझा करना न भूलें। अपने आसपास के लोगों को अपने धैर्य, अपने दृढ़ संकल्प और प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय पाने की मानवीय भावना की क्षमता में अपने अटूट विश्वास से प्रेरित करें। दुनिया को आपकी रोशनी की जरूरत है, वहां जाओ और उज्ज्वल बनो।